What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. आज मैं पनीर भुर्जी की एक रेसिपी बना रहा हूँ, लेकिन पनीर भुर्जी को एज इट इज़ नहीं सर्व करेंगे, उससे बनाएंगे पनीर भुर्जी टोस्ट और पनीर भुर्जी टोस्ट सैंडविच। और दोनों ही रेसिपीज़ जो है ना बहुत ही डिलिशियस बनती है। और जो पनीर भुर्जी मैं बना रहा हूँ वो अमृतसर में जो पनीर भुर्जी मिलती है ना, वो सबसे बेस्ट वाली होती है, अंबर सरिया स्टाइल पनीर भुर्जी, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आप सबकी फेवरेट है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ये रेसिपी देख के आज सीख जाएंगे और आप हमेशा अपने घर पे इसी तरीके से पनीर भुर्जी बनाने वाले हो। और फिर ब्रेड के ऊपर बटर, चटनी, भुर्जी डालकर, थोड़ा चीज़ डालकर इसको टोस्ट करेंगे और पनीर भुर्जी टोस्ट रेडी हो जाएगा। और सेम तरीके से लेयरिंग करके वेजीज डालेंगे इसके अंदर सैंडविच जब बनाएंगे और उसको टोस्ट कर देंगे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इनक्रेडिबल लगती हैं। और अगर आपने अभी तक वाईफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईफल। अब सबसे पहले ये पनीर भुर्जी टोस्ट के लिए भुर्जी कैसे बना रही है एकदम परफेक्ट वाली, वो देख लेते हैं। एक पैन को गरम कर लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून तेल डालिए कि मक्खन जले ना, और मक्खन और तेल को गरम कर लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर बेसन डाल रहा हूँ। बेसन को आपको लो फ्लेम पर अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनना है। बेसन डालने से क्या होता है ना, बाइंडिंग आती है पनीर भुर्जी में, तो वैसे पानी अलग अलग सा नहीं हो जाता है पनीर से, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आती है, तो ये बेसन ज़रूर ऐड कीजिए। एक बार बेसन को आपने लो फ्लेम पर भून लिया है, तब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए टमाटर, 2 चॉप की हरी मिर्ची, 1 टीस्पून चॉप किए हुआ अदरक और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अभी हाई फ्लेम पर आपको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, अच्छे से पकाना है। 2-3 मिनट तक एक बार आपने इसे पका लिया है तो इस स्टेज पर कुछ मसाले इसमें ऐड करने, तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालिए और सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला लेना है। बस इतने से ही मसाले जाते हैं, सिंपल सी रेसिपी है। अब मसालों को और प्याज टमाटर को और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से आपको भूनना है। अगर आपको ऐसे लगेगा कि ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं कि आप मसालों को और टमाटर और प्याज को अच्छे से भून पाएँ लगभग 2-3 मिनटों के लिए। आप देख सकते हो पानी ऐड करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है। इस स्टेज पर इसमें 250 से 300 ग्राम आपको पनीर जो ऐसे हाथों से ही क्रश करके ऐड करना है, ग्रेट करके बिल्कुल नहीं ऐड करना है, नहीं तो एकदम वो ग्रेवी सी बन जाएगी। ऐसे क्रश करके इसको ऐड कीजिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी भुर्जी में आती है। साथ ही में लगभग 100 से 150 ml आपको दूध डालना है, ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अमृतसरी भुर्जी का। दूध डालने के बाद आपको अच्छे से स्टर कर लेना है इसको, और इसकी कंसिस्टेंसी जब तक आपको सही लगे तब तक पका लेना है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर आपको पकाना है। जो दूध है वो रिड्यूस होगा और भुर्जी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी, और दूध ऐड करने की वजह से आपको इसमें कोई मलाई कोई क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे पनीर भुर्जी की। इस स्टेज पर आपको इसे टेस्ट कर लेना है और अगर नमक रिक्वायर्ड है तो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही में 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, थोड़ी सी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्किप मत करना, और लास्ट में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारी डिलिशियस वाली पनीर भुर्जी रेडी हो गई है। तो आपने देखा कितना आसान है घर पे पनीर भुर्जी बनाना, सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल मसाले हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन पनीर भुर्जी है जो बनती है ना माइंड ब्लोइंग बनती है। इस तरीके से एक बार आप पनीर भुर्जी घर पे बनाकर देखिए एंड यू विल ऑलवेज कुक इट जस्ट लाइक दिस। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, ऊपर से सर्व करते टाइम भी थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कीजिए, काली मिर्ची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और यूजुअली ये ब्रेड के साथ या टोस्टेड ब्रेड के साथ खाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। या मुझे वो नमक अजवाइन वाला जो पराठा होता है या लच्छा पराठा होता है ना, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, तो ऐसे भी खा सकते हो। अब पनीर भुर्जी तो आपको बता दी, लेकिन आज हम इससे बनाने वाले टोस्ट और सैंडविच, तो उसके अंदर मेरी सैंडविच वाली चटनी में यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाफट आपको बता देता हूँ कि ये सैंडविच वाली चटनी कैसे बनती है और उसके बाद फिर टोस्ट और सैंडविच बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 लार्ज बंच ताज़ा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 3 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल, 10 तीखी वाली हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 6 से 8 कलियां लहसुन की, 1 टीस्पून सैंडविच या चाट मसाला,
टेस्ट के हिसाब से नमक, एक क्यूब आइस का और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक थिक चटनी आपको पीस लेनी है। और आप मुझे हमेशा पूछते रहते हो मेरे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, तो हमारा वाईएफएल होम का ब्लेंड लैब प्रो 2.0 अभी हमारे साइट वाईएफएलहोम.com पर अवेलेबल है और अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चटनी को मैंने पीस लिया है और ये आप देख सकते हो हमारी डिलिशियस वाली सैंडविच चटनी रेडी हो गई है। ये जो सैंडविच चटनी है ना, बहुत ही डिलिशियस बनती है, थोड़ी सी तीखी होती है, इसमें हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है वो तीखापन ऐड करने के लिए सैंडविच के अंदर। मैंने बाइंडिंग के लिए, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए भुनी हुई चने की दाल यूज़ की है। आप उसकी जगह पर एक आधी ना इसके अंदर सैंडविच ब्रेड की स्लाइस भी ऐड कर सकते हो चटनी के अंदर, वो क्या ना पानी पकड़ के रखती है, तो सैंडविच में जब भी हम चटनी बनाते हैं थोड़ी सी थिक और वो पानी नहीं छूटना चाहिए, तो उस हिसाब से बनानी। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है, अब सबसे पहले टोस्ट कैसे बनाना है, हमारा पनीर भुर्जी टोस्ट, वो देख लेते हैं। सैंडविच ब्रेड के आपको साइज ले लेने हैं। अब इसके ऊपर आपको अच्छे से मक्खन अप्लाई कर देना है। ब्रेड आप अपने हिसाब से जो यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। मक्खन लगाने के बाद हरी चटनी भी, जो हमारी सैंडविच चटनी है, वो भी अच्छे से सैंडविच ब्रेड के ऊपर लगा लीजिए। एक बार आपने चटनी लगा दी है तो अब इसके ऊपर इवनली आपको भुर्जी ऐड करके स्प्रेड करनी है। तो आप देख सकते हो कैसे पनीर भुर्जी को मैंने डालकर अच्छे से पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर स्प्रेड कर दिया है। इसी तरीके से आपको पनीर भुर्जी को अच्छे से एक इवन लेयर में स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर ऑप्शनल है, आप थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। हल्का सा चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दीजिए, बहुत सारा नहीं डाल रहा हूँ। एक बार आपने से चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दिया है तो इसको अब हमें पका लेना है। तो मैं यहाँ पर पैन यूज़ कर रहा हूँ, पैन आपका मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाइए, उसके ऊपर अभी टोस्ट ऐड कर दीजिए। टोस्ट ऐड करने के बाद ढक्कन लगाकर फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर जब तक कि नीचे से थोड़ा सा टोस्ट हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे पका लीजिए। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको चेक कर लेते हैं कि आप देख सकते हो कैसे नीचे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब चीज़ को मेल्ट करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ना पानी साइड पर स्प्रिंकल कीजिए और ऊपर से फटाफट ढक्कन लगा दीजिए। जो स्टीम है ना, वो स्टीम की वजह से चीज़ मेल्ट हो जाएगा, नीचे से टोस्ट थोड़ा सा और पक जाएगा और परफेक्टली टोस्टेड हमारे पनीर भुर्जी टोस्ट रेडी हो जाएंगे। एक बार अभी इसे चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो पानी पूरा सूख गया है और स्टीम की वजह से हमारा चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हो हमारा पनीर भुर्जी टोस्ट रेडी हो गया है। तो आपने देखा पनीर भुर्जी टोस्ट बनाना कितना सिंपल है। अब मैंने आज पैन में बनाया, लेकिन अगर आपके पास OTG है तो आप OTG में ओवन टोस्टर ग्रिलर में भी इसे अच्छे से बेक कर सकते हैं या टोस्ट कर सकते हैं। लगभग 180 डिग्रीज या 200 डिग्रीज पर रख सकते हो और जब तक आपकी ब्रेड अच्छे से क्रिस्प हो जाए, चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाए, तब तक इसको आप ओवन में कर लीजिए। साथ ही में अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में भी इसको आप टोस्ट कर सकते हो। मैंने बेसिक सिंपल तवे वाला मेथड आपको बता दिया है। अब टोस्ट हमारा रेडी हो गया है, इसको पहले प्लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद रुकना है क्योंकि सैंडविच हमारा बाकी है। तो अभी टोस्ट रेडी हो गया, इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। पनीर भुर्जी टोस्ट हमारा बहुत ही इनक्रेडिबली डिलिशियस बना है, मज़ा आ गया इसे खाने में। अब आपको और एक तरीका बता रहा हूँ कि पनीर भुर्जी यूज़ करके आप एक सैंडविच भी बना सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, थोड़ा सा वो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच से इंस्पिरेशन लेके सैंडविच बनाया है। इसे असेंबल कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो देख लेते हैं। तो सेम सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए और पहले मक्खन लगा लीजिए अच्छे से और फिर हरी चटनी लगा लीजिए। एक बार मक्खन और चटनी लगा ली है, उसके बाद पनीर भुर्जी सेम तरीके से आपको एक इवन लेयर में स्प्रेड कर देनी है। एक बार पनीर भुर्जी आपने स्प्रेड कर ली है, यहाँ पर एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर रहा हूँ, चीज़ ऑप्शनल है। चीज़ ऐड करने के बाद ये दूसरी जो स्लाइस हमने रेडी की थी इसको इस तरीके से ऊपर प्लेस कर दीजिए। अब इसके ऊपर स्लाइस टमेटोज ऐड कर रहा हूँ, टमाटर ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से एक लेयर आपको टमाटर की लगा देनी है। उसके ऊपर थोड़ा सा सैंडविच मसाला या चाट मसाला डालना है, दोनों नहीं हो तो एटलीस्ट नमक ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप प्याज ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में थोड़ी सी चॉप्ड शिमला मिर्ची ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर से फिर से थोड़ा सा सैंडविच मसाला ऐड कर रहा हूँ। वापस एक ब्रेड ले लीजिए, उस पर मक्खन लगाइए, सैंडविच चटनी लगाइए
और ऊपर से इस तरीके से रख लीजिए। अब इसे आप तवे पर भी पका सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से जो टोस्टर होता है ना उसे यूज़ कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद एक साइड पर इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा लीजिए कि हम सैंडविच को अच्छे से टोस्ट कर पाएँ। सैंडविच को केयरफुली इसमें प्लेस कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा और मक्खन लगा दीजिए और टोस्टर को बंद करके सिक्योर कर लीजिए। अब आपको सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक पका लेना है। आप देख सकते हो मैंने इसे पलटा पलटा कर दोनों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कर दिया। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अभी रेडी हो गया, इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। हमारा सैंडविच भी जो है ना इतना डिलिशियस लगता है, और जो कॉम्बिनेशन है वेजीज का, भुर्जी का, और ये टोस्ट वाला जो सैंडविच का फॉर्म है ये बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो भले आप पनीर भुर्जी बनाइए, टोस्ट बनाइए या सैंडविच बनाइए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताना ये रेसिपी आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.